नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूँ आपका दोस्त और होल पर सी साइनिंग इन। और दोस्तों, मेरे हाथ में लगी है एक वीडियो जो पिछले हफ्ते ही वायरल हुई है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं, फिर आपसे बात करूँगा। प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह से वहां पे वॉकिंग के लिए जाती थी, ठीक। तो जब भी मैं वॉकिंग के लिए गई वहां पे, तो मैं एक था कि इंस्टेंट और पॉइंट जहां पे मैं अवर चौराहे पे पहुंची, ठीक। वहां पे जाते ही मैंने देखा सिग्नल रेड हो चुका है, लेकिन वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। गाड़ियां पास हो रही है, मतलब दे द पुलिस मैन दे आर वायलेटिंग द लॉ एज वेल एज द पीपल दे आर वायलेटिंग द लॉ, एंड इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया। किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह से वहां पे वॉकिंग के लिए जा रही थी, ठीक। तो जब भी मैं वॉकिंग के लिए गई वहां पे, तो मैं एक था कि इंस्टेंट और पॉइंट जहां पे मैं अवर चौराहे पे पहुंची, ठीक। वहां पे जाते ही मैंने देखा सिग्नल रेड हो चुका है, लेकिन वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। गाड़ियां पास हो रही है, मतलब दे द पुलिस मैन दे आर वायलेटिंग द लॉ एज वेल एज द पीपल दे आर वायलेटिंग द लॉ, एंड इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया, ठीक है। तो वो एक इंस्टेंट पे वो आदमी भी आता है जो इस चीज को मतलब ऐसा लगता है कि अब वो मुझे उड़ा देगा। मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल रही हूँ क्योंकि लाइट रेड हो चुकी है, मैं लॉ को फॉलो करते हुए चल रही हूँ, बाकी के लोग रुकते नहीं है, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां पास होती है, और एक इंसिडेंट आता है जब मुझे लगता है कि एक आदमी मुझको उड़ा देगा, है ना। और वो क्या करता है, सबसे पहले ट्रैफिक लाइट को वायलेट करता है, उसके बाद ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता है, ठीक है। तो एक इंसिडेंट ऐसा आता है जब मुझे लगता है कि अब वो मुझे हिट कर देगा। सर, 2 साल में मैंने सिर्फ मार खाई है, ये पूरे पैरों पे चोटे हैं मेरे, ठीक है। ये उस दिन मैंने मार खाई है और ये 2 साल की चोटे हैं, दोनों पैरों पे लगी है सर, ठीक है। पैरों को देखिए, 2 साल सिर्फ मैंने मार खाई है, और ये है वीडियो एविडेंस में, ये ऑडियो प्रूफ है सर। मुझे नहीं पता वो अननोन लोग हैं सर, जो भी करता रहा, लेकिन यूपी पुलिस खड़े होकर देखती रही हमेशा से, और ये उस दिन के सीसीटीवी में भी कैद है कि वो लोग मुझे मारते गए, 300 मीटर मारकर, सिर्फ 300 मीटर उन्होंने मुझे मारा है, ठीक। ये प्रूफ है, मेरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ठीक है सर। और ये देखिए, मेरे हाथों पे चोटें लगी हैं सर। कैब ड्राइवर के जो 7 लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा है सर, क्योंकि मेरे तो कोई लोग नहीं थे, ठीक है। जो भी ये लोग थे, ये उस कैब ड्राइवर के लिए मुझको मारते जा रहे थे, ठीक है। चेहरे पे मारा सर, ये देखिए, पूरा चेहरा, ये पूरा चश्मा टूट गया है, और जब ये गिर गया तो मुझे एक इंस्टेंट पे कुछ नहीं दिखता है, और उसके बाद जब वो 30 मिनट, तो मैडम की गलतियां भगतते हैं इस वीडियो पे। गलती नंबर वन की गलती नहीं, झूठ नंबर वन, वॉक अराउंड रोड। आप क्यों गए, ये आपकी पहली गलती है। आप क्यों गए? अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, माइग्रेन हुआ है, और फलाना फलाना हुआ है, तो आप गए कि गलती आपकी है, क्योंकि आप जब वो हैवी क्राउडेड वाली जगह पे जाते हो, आप में से कोई भी जाते हो, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो एन नंबर ऑफ बीट बीट देती है पर सेकेंड। ये अगर आपने मैम अगर आपने अगर पढ़ी होती, डॉक्टरी करी है या कुछ भी करी है, मेरे को नहीं पता क्या करी है, मैं ज़्यादा गहराई पे नहीं जाऊँगा आपके कि आपने क्या करी है, तो आपका धक धक ये नहीं होगा, आपका धच 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 ये होगा। और आप चल दिए हार्ट अटैक वगैरह वगैरह होने के बाद, मेजर डिजीज़ होने के बाद आप चल दिए वो वॉक करने रेड लाइट पे, रेड लाइट सिग्नल पे। अरे मैम, वॉक करनी है ना, तो एक बड़े से गार्डन में जाओ, 5-6 किलोमीटर की वॉक करो, 5-6 किलोमीटर भी कम है आपके लिए, 10 किलोमीटर की वॉक करो,
जिम जाओ, कसरत बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ, ब्रेन की एक्सरसाइज करो। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये थे दो कवरिंग पॉइंट, ठीक है। और 30,000 के हेडफोन आपके टूटे। मैम जो आपने पहने हुए थे ना, जो आपने पहने हुए थे वो हेडफोन इधर, उसको कहते हैं कॉलर है, कॉलर जो ऐसे करके ऐसे आते हैं ना, उसको कहते हैं कॉलर। हाँ, ये बोट के हैं, ये बोट के हैं, तो ये नहीं टूटे मेरे, ये नहीं टूटे मेरे, आपने खराब यूज़ किए हैं। लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूँ, आपने खराब यूज़ किए हैं। और वीडियो में देख रहा है, वीडियो में देख रहा है, पहली वीडियो में देख रहा है कि दूर से कहीं कैमरा लगा और आप आ रहे हो, ये आप ये कैब ड्राइवर, ये हल्का सा टच हुआ है, हल्का सा, हाँ हल्का सा टच हुआ है, और आप कह रहे हो कि मारा। मैडम अगर आप माना ये होता है, माना ये होता है, अगर आपको लगती ना गाड़ी तो आप 10 तो आप जाके गिरते, आप खड़े नहीं रहते। एनीवे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, फोर्थ, 100-200 लोगों ने आपको मारा है कैब ड्राइवर की सपोर्ट करने के लिए। अरे मैम सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है, सपोर्ट आपका नहीं करे, सपोर्ट उस कैब ड्राइवर का करे जो पिट रहा था, जिसका आपने शर्ट फाड़ी, उसकी शर्ट फटी हुई थी, जिसकी आपने शर्ट फाड़ी और 600 रुपये भी लिए आपने बिना उसकी निगरानी के। 25,000, 2500 का फ़ोन का नुकसान हुआ है, चीतरे कर दिया आपने फ़ोन के। कैब का नुकसान, बंदे का नुकसान, हेल्थ का नुकसान, फोन का नुकसान और अर्निंग्स का नुकसान हुआ है उसका। और 100-200 लोगों ने अगर मारा होता ना तो आप हॉस्पिटल में होते। 100-200 लोगों ने मारा है, ये तो छोड़ो, आपको पता है दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है मैम? आपको पता है दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? नहीं पता ना, नहीं पता ना, लखनऊ से दिल्ली नहीं आए ना? इंजर्ड मैम, आप इंजर्ड कब हुए? वीडियो में दिख रहा है आप उड़ उड़ के मार रहे हो, उड़ उड़ के पापा की परी मार रहे हो, बन रहे हो, सॉरी, और क्या मार रहे हो, ऐसे 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 क्या ओलंपिक में जाना है क्या? ओलंपिक में नया वो हो चुका है, ये आपका नया वो स्पोर्ट्स आ चुका है, स्लैपिंग की, फीमेल वर्सेस फीमेल, जितना स्लैप खाओगे उतने पॉइंट मिलेंगे। मैडम बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, सच बोलूँगा, आपने कभी यहाँ से काम, कभी यहाँ से काम किया, कभी यहाँ से काम किया आपने? बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं, बॉयफ्रेंड की बात तो छोड़ दो आप, यहाँ से काम करो, दिमाग से सोचो। और साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, मन को शांत करो। जब भी वो कैब ड्राइवर मिले आपको मैम, जब भी वो कैब ड्राइवर मिले तो आपको सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है, नुकसान पे करना है, जितने का भी नुकसान हुआ, पैसे वापस दिलाने हैं, 600 रुपये पैसे पैसे वापस देने हैं, 600 रुपये, ठीक है। और सबसे अच्छे से बात करना है, नहीं कर सके, नहीं कर सकते, डरने की बात नहीं है मैडम, डरने की बात नहीं है, नहीं कर सकते, शांत बैठे रहो,
क्योंकि हिंदी में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतानी सूजी कह दिया, शैतानी सूजी ना आपको कह दिया। क्यों मैडम, क्यों एक बार बता दो, क्यों? वाई आर यू डूइंग दिस टू द पुअर? वाई? इफ यू आर मेंटली स्टेबल, आंसर द क्वेश्चन वाई। इफ यू आर मेंटली स्टेबल, आंसर दिस इजी क्वेश्चन वाई। वाई आर यू डूइंग दिस? वाई हैव यू डन दिस टू दैट गाय हु इज अर्निंग सो हार्ड फॉर द फैमिली, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज किड, फॉर हिज मॉम एंड डैड, फॉर हिज एन नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, फॉर प्रूविंग हिम एंड हिज फैमिली एंड हिज सोसाइटी दैट ही कैन डू ईच एंड एवरी थिंग दैट यू आर डूइंग। यू मैम, यू द फीमेल कैंडिडेट हैज डन दिस, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज, क्या बोलते हैं, फॉर हिज लॉस, फॉर हिज लॉस यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टाइमिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अर्निंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रेटिंग, डाउन रेटिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सर्विस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मेंटल हेल्थ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिस्पेक्ट। मेल हैव ओनली ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग विच इज रिस्पेक्ट, विच इज रिस्पेक्ट, एंड यू हैव टू अर्न इट, योर रिस्पेक्ट वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। एंड रिस्पेक्ट इज ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू अर्न इट, मेंटेन इट, एंड यू हैव टू रिजर्व इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज रिस्पेक्ट इज वेरी प्रेशियस माई लेडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो बाई सेइंग पे हिम हिज लॉस, पे फॉर हिम। हिंदी में बोल देता हूँ, आप जाइए मैडम, आप जाइए, नुकसान भरिए उसका, ठीक है, नुकसान भरिए, FIR वापस लीजिए, इलाज करवाइए उसका, नहीं आपका, आपका इलाज करवाइए। इलाज करवाने के बाद घर से करीबी लगेगी, घर से अच्छे हेडफोन, ये वाले अच्छे ईयरफोन लेके निकला करो, और रेड लाइट एरिया में मत जाना जहाँ पे रेड लाइट बुझ बंद होती है। गलती आपकी। नमस्ते।